मांगे नहीं मांगी जाएंगी। मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। अगर मर भी गया, अगर मर भी गया तो ये मेरी रूह क्रांति लाने का काम करेगी। और ये क्रांति जब पूरे देश में फैले, ये जो एक्ट का संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात को पलट कर इस एक्ट में अध्यादेश ला करके एक्ट बना करके पारित किया कि FIR होते ही बगैर जांच की गिरफ्तारी की जाएगी, जो कि 100% गैर कानूनी। हमारा देश कानून के राज से चल रहा है, इसमें जो भी बात है कानून के हिसाब से होती है। यह आरक्षण की जो बात हम उठा रहे हैं, इसकी समीक्षा की हम मांग कर रहे हैं। इसमें प्रमोशन की आरक्षण जो प्रमोशन में आरक्षण की बात जो आ रही है, ये कतई अनुचित है, क्योंकि अधिकारियों का जो तंत्र है खास तौर से वो सीनियर जूनियर के क्रम में चलता है। इससे तमाम जूनियर अधिकारी सीनियर हो जाएंगे, और 80% लोग करीब इस बात से सहमत हैं कि ये गलत है और हम लोग जो कर रहे हैं ये सब सही है, चाहे इसका सर्वेक्षण करा लिया जाए। तो जैसा कि आपने जाना कि पूर्व DGP यशपाल सिंह से हमने बात की, उन्होंने इस एक्ट को कानूनी रूप से गलत बताया और इसे महज वोट बैंक की राजनीति करार दिया। हरदोई से ETV के लिए आकाश शुक्ला।